एकनाथ शिंदे जो कि बीती सरकार में महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री थे, अगर वो डेप्यूटी बनने के लिए भी तैयार है, 6 विधायक पर एक मंत्री का बन सकता है फॉर्मूला, 6 विधायकों पर एक मंत्री का फॉर्मूला बन सकता है, बीजेपी को मिल सकते हैं करीब 20 से 22 मंत्रालय। जिस तरह की प्रचंड जीत और नंबर्स भी आए हैं इस बार बीजेपी के, शिवसेना को 10 से 12 मंत्रालय मिल सकते हैं, हर 6 विधायक पर एक मंत्री का मामला, एनसीपी के खाते में जा सकते हैं 8 से 10 मंत्रालय। ये बड़ी खबर इस वक्त की बताते हुए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जोशी, अब स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर, और साहिल जोशी हमारे सहयोगी अब हमारे साथ यहीं पर प्रकट होंगे। ये देखिए प्रकट हो गए हैं, साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जोशी हमारे वैसे तो मुंबई में है लेकिन वो हमारे साथ यहाँ पर, चूंकि हमने गेटवे ऑफ इंडिया भी बना ही लिया है पीछे, तो वो यहाँ पर अवतरित हो गए हमारे साथ, कुछ ही देर में उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम इस वक्त बता रहे हैं कि अगर डेप्यूटी सीएम पद के लिए तैयार हो गए एकनाथ शिंदे तो इसके मायने बड़े हैं। महाराष्ट्र में 6 विधायक पर एक मंत्री का फॉर्मूला बन रहा है, बीजेपी के कोटे से करीब 20 से 22 मंत्री फिर हो सकते हैं, शिंदे गुट से 10 से 12, वहीं अजित पवार के गुट से 8 से 9 मंत्री हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर ये फॉर्मूला तैयार करना होगा। तो बात कर लेते हैं एकनाथ शिंदे की जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। पूरा फॉर्मूला अब आपको हम जरा दिखा देना चाह रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए लगभग 43 मंत्री अगर बन रहे हैं तो शिंदे की क्या मांग है। शहरी विकास, राज्य सड़क विकास निगम, ये तमाम मंत्रालय की मांग है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम बनने को भी तैयार बताए जा रहे हैं, इसके अलावा वो शहरी विकास और राज्य सड़क विकास निगम विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो सूत्रों की माने शिंदे राजस्व चाहते हैं, ग्रामीण विभाग भी चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी चाहते हैं, ये तमाम मंत्रालय, कृषि और सामाजिक न्याय विभाग की भी मांग वो कर रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शिंदे केंद्र में भी अपने मंत्री चाहते हैं जिसमें एक केंद्र मंत्री और एक केंद्र राज्य मंत्री की मांग कर रहे हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्व हो, ग्रामीण विकास हो, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय, सूत्रों के हवाले से खबर है। अभी इंतजार करना होगा, कुल मंत्रालय 10 से 12 इनके, 8 से 10 एनसीपी के हो सकते हैं और 20 से 22 बीजेपी के। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री भी बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि केंद्र में अपने मंत्री उनके हों और केंद्रीय मंत्री भी हों और एक केंद्रीय राज्य मंत्री का भी पद उनकी पार्टी को मिले। विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, तमाम नंबर्स हम दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है अगर, क्योंकि ऐसे 5-6 नेता रहे हैं जो सीएम रहने के बाद भी दूसरा छोटा पद लिए हैं महाराष्ट्र में। ये देखिए ये केंद्रीय मंत्री भी और एक केंद्रीय राज्य मंत्री, वो फायदे का सौदा स्ट्राइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जितने विधायक इनके आए हैं कंपेयर टू बीजेपी। देखिए निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे के सामने और कोई चारा है नहीं, बीजेपी की 132 सीटें हैं। हाँ। बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी और एकनाथ शिंदे अगर बहुत ज्यादा अड़ जाए तो उनको बाहर करके भी बना सकती है, सरकार चला सकती है। हाँ। तो ये एकनाथ शिंदे जानते हैं ये सच्चाई, इसलिए उन्होंने बहुत बेहतर तरीका ये अपनाया। भाई देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल उनके ही कैबिनेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, तो जो देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, वो जब डिप्टी सीएम बन गए तो शिंदे को क्या दिक्कत है। तो शिंदे अगर डिप्टी सीएम पद स्वीकार करके और कुछ अच्छे पोर्टफोलियो जिनको मलाईदार मंत्रालय कहा जाता है वो ले लेते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए बेहतर सौदा होगा। साहिल के पास चलते हैं, साहिल अब हमारे साथ यहीं पर जुड़ गए। साहिल देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री रहकर फिर उप मुख्यमंत्री बनना, ये देवेंद्र फडणवीस ने भी स्वीकारा जब उनकी पार्टी की तरफ से आदेश आया, और शिंदे अगर इसके लिए राजी हो रहे तो ये बड़ी खबर है। क्या माने यथास्थिति रहेगी, यही तीनों रहेंगे लेकिन दो लोगों का पद इंटरचेंज होगा, फडणवीस साहब सीएम और शिंदे साहब डेप्यूटी, और ये जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं, फायदे का सौदा किसके लिए? देखिए इसमें फायदे नुकसान से ज्यादा मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकल सर्वाइवल का सौदा है, क्योंकि अभी कोई चारा है नहीं इस वक्त पे, जो है उसी में तो आपको काम चलाना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बीजेपी से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो उसके साथ में सरकार में शामिल होना ये एकनाथ शिंदे के लिए भी और अजीत पवार के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सरकार में शामिल होने से पार्टी भी चलानी है ना, तो पार्टी चलाने के लिए आपको सरकार में शामिल होना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है आज की स्थिति में, और इसके चलते ये सारी चीज की जा रही है, ये हम लोग यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा उनके लिए भी।
जो उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, जब वो मुख्यमंत्री बने वहां से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, तो इसके वजह से सत्ता में रहेंगे तभी पार्टी ठीक से चला पाएंगे और इसीलिए वो सत्ता में भी शामिल होंगे, ये बात हमें देखनी होगी। अंजना, साहिल, बीजेपी सरप्राइज एलिमेंट के लिए जानी जाती है, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी या कुछ मामला और भी हो सकता है? मुझे लगता नहीं है कि मामला कुछ और होगा, इस वक्त क्यों ना हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के कैडर को उनको संदेश देना है कि देखिए हमने किसी पर अन्याय नहीं किया। और इसलिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि जब लोकसभा की हार के बाद अमित शाह यहां पर महाराष्ट्र में आए थे और उन्होंने रीजन वाइज मीटिंग्स ली थी कार्यकर्ताओं की, तब संदेश उनका यही था कि देखिए हम किसी पर अन्याय नहीं करना चाहते। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के हाथ से मुख्यमंत्री पद चला गया, 2022 में उनके हाथ से चला गया, वो तो सरकार में भी शामिल नहीं हो रहे थे, आदेश दिया गया कि भाई आपको सरकार में शामिल होना है, तो जो ये सारे आदेश का पालन कर चुका है उसे देखिए हम लोग ने जब हमारे पास मौका आया तब हमने उसे सरकार में शामिल करवाया, हमने उसे मुख्यमंत्री बनाया। कम से कम इस वक्त ये मैंडेट के बाद तो कम से कम ये मैसेज देना होगा, और ये मैसेज सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं तो पूरे देश के लिए उनको देना है, उनके देश के पूरे कैडर के लिए देना है, और इसीलिए फिलहाल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। बात की बात बाद में देखी जाएगी, 5 साल तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, ना कोई चुनाव को सामना करना है उनको, अब ऐसे ऐसे चलते बाकी मराठा है नहीं है ये सब चीज क्या से ज्यादा पार्टी कैडर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ऐसा मुझे लगता है।